सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सलवार के पोंचे के बारे में बताएंगे। ये जो सलवार का पोंचा है मैंने चौड़ा बनाया है, ये मैंने 3.5 इंच चौड़ा बनाया है। आप इसको 4 इंच, 5 इंच और हम लोग नॉर्मली पोंचा जो बनाते हैं 5, 5.5 इंच तक भी चौड़ा बनाते हैं। कई लोगों की डिमांड आती है कि हमें चौड़ा पोंचा बनवाना है, तो मैंने ये वाला पोंचा 3.5 इंच तैयार रखा है। तो लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि जो हम पोंचा यहाँ से सिलते हैं तो उसमें सेटिंग नहीं आती पीछे से। तो इसमें कारण ये होता है कि एक तो आपने जो सलवार की कटिंग करी है वो ठीक नहीं है नीचे से। तो मैंने पहले कटिंग की एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख लीजिए कटिंग कैसे करते हैं। और जब हमारा पोंचा बन जाता है तो आप कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जितना हमने पोंचा रखना है और यहाँ से जैसे हमने ये पोंचा रखा और इसको इस तरह पकड़ा और सीधी सिलाई लगा दी, ये गलत तरीका है। आपको मैं एक पोंचे पे गलत सिलाई लगा के बताऊंगी, एक पे सीधी सिलाई अच्छी मतलब ठीक वाली लगा के बताऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पोंचा कैसे सिलते हैं, ठीक कौन सा है। तो सिलाई करने से पहले मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली। मैं आपके लिए शुभकामना करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और मंगलमय हो आपकी दिवाली। और इसको सिलने से पहले ये देखिए मैंने 6 इंच पोंचा तैयार रखना है। जब भी हम सलवार कट करते हैं तो हम पहले पोंचा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कहीं हम बाद में भूल ना जाएं कितना रखना है। ये मेरा यहाँ पे 6 इंच पोंचा यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैंने 6 इंच पोंचे का निशान लगाया है। तो अब जो हम सिलाई का निशान लगाएंगे तो थोड़ा इस तरह लगाएंगे, यहां से हल्का सा स्ट्रेट, जैसे मैं आपको यहां पे बता देती हूँ। यहां पे 6 इंच है तो यहां पे 7.5 इंच, बस इससे ज्यादा हम फैलाएंगे नहीं आगे। कई लोग यहाँ पे रख के यहाँ पे 9 या 10 इंच भी कर देते हैं, यहाँ से सिला तो यहाँ पे 9, 9, 10, 10 इंच पे ले गए, तो वो सिलाई गलत हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 7.5, बस 1.5 इंच का ही हम इसको शेप देंगे, इससे ज्यादा हम इसको शेप नहीं देंगे। तो मैं अब आपको एक सिलाई, ये ठीक वाली सिलाई है, एक मैं आपको रॉन्ग सिलाई भी करके दिखाऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उसका। नीचे से पोंचे पे हम सिलाई हमेशा डबल करेंगे, ये खुल ना जाए, क्योंकि हम लोग मशीन में वॉश करते हैं तो कपड़े खींच जाते हैं, तो इसलिए ये इसको आप डबल या ट्रिपल कर दीजिए नीचे से। और अब हमने यहाँ पे इसको नीचे वाले कपड़े पे थोड़ा हाथ रखना है और इसको थोड़ा सा खींचना है हल्का सा। ये इसलिए खींच रही हूँ कि जो ये वाली स्टाई सिलाई है हमारी, वो हमारी ओरेब है तो ये खींच जाती है और टूटने का भी डर रहता है जल्दी। इसको हम यहाँ हल्का सा खींच के लगाएंगे, मैं आपको यहाँ थोड़ी सिलाई लगा के बताऊंगी। यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ सिलाई। अब मैं सेकंड वाले पोंचे पे भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये पोंचा मेरा सेकंड वाला है, तो इस पे भी हम पहले 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने 6 इंच का निशान लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोई शेप नहीं दूंगी, मैं सीधी यहाँ पे सिलाई इस तरह खींच दूंगी। ये मैं सिंगल रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे खोलनी पड़ेगी सिलाई, ये गलत होगी। से हम यहाँ पे रोक लेंगे। अब मैं आपको इनको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा जो एक पोंचा है इस तरह रेडी हो गया है, और दूसरे को आप देख सकते हो कि ये बाहर की तरफ ज्यादा है। तो ये जो होगा जब हम पहनेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कान खड़े हो जाते हैं इसके, ये देखिए एक नोकसी बन जाती है, ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी चौड़े पोंचे में। तो चौड़ा पोंचा होता है तो स्ट्रेट होना चाहिए, वो इस तरह सीधा खड़ा होना चाहिए कि आपकी सलवार लगे कि आपकी सलवार बिल्कुल स्ट्रेट बनी है। तो ये देखिए ये पोंचे की जो सिलाई है बिल्कुल सही है, और इस पोंचे की थोड़ी सिलाई हमारी बाहर की तरफ आ रही है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये नोक निकल रही है। अभी मेरी सिलाई तो आपको फिर भी थोड़ी ठीक लगी होगी, लेकिन अगर आप चौड़ा पोंचा काट दोगे और चौड़ा ही पोंचा यहाँ से ऐसे सिल दोगे तो वो बहुत गंदा लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से बनाए और इस तरीके से सिले, मैं आपको इसकी कंप्लीट सिलाई बता देती हूँ। जब भी आप पोंचे की सिलाई लगाएंगे तो आप पोंचे से ही शुरू करेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। आपने ये नहीं करना कि आप आसन से घुमा के नीचे तक एक ही सिलाई लगा दोगे। उसमें ये होता है कि जब हमारा कपड़ा कई बार बढ़ जाता है आसन से तो वो आपका पोंचे की तरफ निकल जाएगा, तो वो तो आपका झोल आ जाएगा। अब जो भी कपड़े का थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा निकलेगा वो हम आसन में सेट कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल एक सिलाई लगा के बताती हूँ अच्छी तरह। आपने ये सिलाई थोड़ी पीछे से खींचनी है, ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो ये सिलाई आपकी एक बार पहनने के बाद टूट जाएगी।
ये देखिए, ये अब हमारे यहाँ पे आसन आ गए हैं। अब आसन तक सिलाई लगाएंगे। ये आसन आ गया हमारा यहाँ पे, ये मेरे आसन की सिलाई है। यहाँ पे अब हमने इसको सिलाई को यहाँ नीचे उतार देना है, इसको हमने ऊपर नहीं लेके जाना। अब हम दूसरा पोंछा शुरू करेंगे, इसको भी हम 6 इंच रखेंगे और इसे भी इसी तरह सिल देंगे। अब हमारी सिलाई आसन पे आ गई है, ये हमारा आसन है। तो यहां से अब हम सिलाई घुमा देंगे, क्योंकि पहले हमने सिलाई यहां से बंद कर दी थी, अब नहीं बंद करेंगे, अब हम घुमा देंगे। यहां पे हम सिलाई थोड़ी डबल करेंगे, ये सिलाई हमेशा हमने डबल करनी है। और यहां से अब हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।